నమోరిహంతాణం నమో సిద్ధాణం నమో ఆర్యాణం నమో ఉవజ్ఞానం నమో లోయే త్రికాళవర్తి సౌవసాహం మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమో గరి మంగళం కుంద కుందార్యో జైన ధర్మోస్తు మంగళం సర్వమంగళ్యమాంగళ్యం సర్వకళ్యాణకారకం ప్రధానం సర్వధర్మాణం జైనం జయతు శాసనం ఓంకార బిందు సంయుక్తం నిత్యం జాయంతి యోగినం కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమః నమ సమయ సారాయ స్వానుభూత్య చకాసతే చిత్స్వభావాయ భావాయ సర్వభావాంతరచిదే అజ్ఞానతిమీరాంధానం జ్ఞానజన్యశలాకయా చక్షురుమిళితం యేనం తస్మై శ్రీగురువే నమ ఆత్మా జ్ఞానం స్వయం జ్ఞానం జ్ఞానాద్ అన్యత్ కరోతి కిం పరభావస్య కర్తాత్మా మోహోయం వ్యవహారిణం మంగళమయ మంగళకరం వీతిరాగ విఘ్నాం నమో తాహి జాతే భయే హరిహంతాది మహాన్ ఓం నమః శివేభ్య నమః శివేభ్య నమః శివే. जिनेन्द्र शासन का यह शाश्वत 10 लक्षणी महापर्व का तीसरा दिन है. ये चारित्र के 10 लक्षण जो है सही में वस्तु स्वभाव के अंदर में देखा जाए तो ऐसे कोई भी भेद प्रभेद इस भगवान आत्मा में नहीं है. अपेक्षा से वस्तु को बतलाने के लिए समझाने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन ये सारे भेद प्रभेद की बातें स्वभाव की महिमा आवे इसके लिए है. और अपन इस भेद स्वरूप को ही वस्तु मानकर एक से छूटने के लिए और दूसरे को ग्रहण करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं. ये मार्ग में आने का विधान नहीं है. मार्ग का विधान अत्यंत स्पष्ट है और वो इतना सा है कि सारे जगत में बस मैं ही एक वस्तु हूं. इतनी सी समझ तो जैन शासन में पर्याप्त है स्वभाव में प्रवेश कराने के लिए. जब तक इस बात पर आया नहीं जाता, इस विश्वास पर आया नहीं जाता कि इस विश्व के अंदर में बस मैं ही एक वस्तु हूं, इतनी बात पर यदि वो आ गया, इतने विश्वास पे यदि आ गया और सब जगह से अपने को समेट लिया तो बस यही आत्मा की अनुभूति है. आत्मा की अनुभूति आत्मा से दूर नहीं होती, आत्मा की अनुभूति आत्मा से बाहर नहीं होती. और आत्मा की अनुभूति का विषय जो है शुद्धात्म तत्व जो है वो तो बस इतना सा है कि वो एक वस्तु मात्र है. मैं एक वस्तु मात्र हूं और मेरे अलावा कुछ भी नहीं है. जीव ने प्रयत्न किए बहुत कुछ पर से जुदा होने के लिए, लेकिन जो जुदा है उससे जुदा हुआ नहीं जाता.
और जुदा होने का प्रयत्न ही अज्ञान है। आज तक उन्होंने प्रयत्न किया राग का अभाव करने का, कसाई को मंद करने का, मिथ्यात्व का अभाव करने का। अब एक कोई घटना द्रव्य में तो घटती नहीं, और जिस पर्याय के अंदर में घटी थी वो पर्याय है नहीं। किसी पर्याय के अंदर में कोई घटना घटी थी वो पर्याय आज है नहीं। और जब तक पर्याय सहित द्रव्य माना जाएगा, पर्याय सहित द्रव्य देखा जाएगा, तब तक कर्तापने का अभिप्राय बना रहेगा और संसार चलता रहेगा। विधान नहीं है आत्मा को देखने का इस तरह से, क्योंकि जब मैं ही एक वस्तु हूं और मेरे अलावा कोई वस्तु है ही नहीं तो हम किससे जुदा होंगे? जुदा तो उससे हुआ जाए कि जिसका मेरे में प्रवेश हुआ हो, या वापस तो वहां से आ जाए कि यदि शुद्धात्मा पर्याय में आ गया हो। लेकिन ऐसी घटना कभी घटी नहीं कि द्रव्य पर्याय में आ गया हो तो उस द्रव्य को द्रव्य में वापस लाया जाए। आया ही नहीं द्रव्य कभी पर्याय में, न सिद्ध दशा में पर्याय में द्रव्य आने वाला है। मैंने पर्याय की जो परिपूर्णता है उसके अंदर में भी द्रव्य कभी नहीं आता, तो आपको कहां से वापस आना है? पर्याय की परमेश्वरता जो है वो पर्याय में है, द्रव्य के साथ में उसका कोई आदान प्रदान नहीं है, द्रव्य के साथ उसका कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। मने प्रमाण की अपेक्षा से द्रव्य की ही पर्याय कही जाती है, वही पर्याय निश्चय नहीं की अपेक्षा से देखा जाए तो भिन्न द्रव्य कहा जाता है। जिस पर्याय को प्रमाण के अंदर में आत्मा का अंश कहा जाता है वही पर्याय को निश्चय के विषय में, परमार्थ के विषय में, भूतार्थ के विषय में, उस पर्याय को अवस्तु कहा जाता है। अब यह पर्याय निगोद की है कि मोक्ष की, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। शुद्धात्मा तो ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा, परिपूर्ण परमात्मा रूप वस्तु सदाई प्रकट विद्यमान है। अब जो सदाई प्रकट विद्यमान है वो मैं हूं, इतना सा निर्णय। और यही निर्णय जैन शासन में प्रवेश का एकमात्र उपाय है। मैंने यदि आप देखो तो फंसने के अनंत दरवाजे हो सकते हैं, लेकिन निकलने का एक ही दरवाजा है, और कौन सा? मैं ही एक वस्तु हूं, इसके बाहर मेरा अस्तित्व नहीं है। वस्तु बस जो है वो मैं हूं, और बाकी वस्तु है कि नहीं उसका विकल्प भी छोड़ दो, उस विकल्प में भी कुछ आनी जानी नहीं है। बहुत प्रयत्न किए भेद ज्ञान के, लेकिन भेद ज्ञान का स्वरूप ही इतना है कि अभेद का ज्ञान हो उसका नाम भेद ज्ञान है। जहां भेद के ऊपर में बात चली तो विकल्प की परंपरा चलेगी, वो भेद ज्ञान नहीं कहलाएगा। अपन को लगता है कि द्रव्य पर्याय की भिन्नता वो भेद ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान ज्ञेय की अभिन्नता वो ज्ञाता का स्वरूप है। ये सारी बहुत कुछ अपेक्षा से वस्तु को प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी तरह से तू भगवान आत्मा के ऊपर आ जा। लेकिन कहीं से भी आप चलो, अपने आप को समेटना होगा, और समेट के मैं ही एक वस्तु हूं वहां पर आकर खड़ा रहना होगा। मैं भगवान हूं बस,
इससे आगे और कोई बात नहीं है, पामरता की भी बात नहीं है और परिपूर्ण होने की भी बात नहीं है, दोनों ही पर्यायी सापेक्ष बातें स्वभाव तक नहीं ला सकती। स्वभाव का विधान इतना है कि अपना अस्तित्व को स्वीकार करें। गुरुदेव श्री ये बात हमेशा कहा करते थे कि ज्ञान के अंदर में अपने अस्तित्व का ग्रहण, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अब ज्ञान के अंदर में अपना अस्तित्व तो भरा पड़ा है, उसका ग्रहण माने मैं हूं, उसका नाम ग्रहण है। वो वस्तु छूट गई है और उस वस्तु को पाना है, ऐसा नहीं है। उसलिए भगवान आत्मा के सर्च की चर्चा नहीं होती, रिसर्च की चर्चा होती है। आपको भगवान आत्मा को सर्च नहीं करना, रिसर्च करना, माने वो तो बना बनाया भगवान है, आप मान लो, यही उसका नाम रिसर्च है। स्वभाव तक पहुंचने की कोई मेहनत नहीं होती है, क्योंकि मैं स्वयं हूं। मेहनत तो उसमें हो कि कहीं जाना हो, कहीं गया हो वहां से वापस आना हो, तब मेहनत हो सकती है। अब भगवान आत्मा तो कहीं गया ही नहीं, ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा, जैसा का वैसा, ऐसा का ऐसा, ध्रुव तत्व, बस मैं हूं। ये एक वस्तु है बस, इस वस्तु पे आए बिना उपाय नहीं है कुछ भी, और उपाय कुछ होता भी नहीं है। उपाय समझाया जाता है बहुत कुछ, लेकिन उपाय क्या है, मैं ही एक वस्तु हूं, बस इतना सा उपाय है। शुद्धात्मा को देखने का, शुद्धात्मा को लक्ष्य करने का, शुद्धात्मा में अहम करने का, शुद्धात्मा में एकत्व करने का, शुद्धात्मा को ध्यान का ध्येय बनाने का एकमात्र उपाय यदि कोई हो विश्व में, तो मैं ही एक वस्तु हूं, इतना सा ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। देखिए, समझाने के लिए जहां जहां उसने अपनी अस्थि मान के रखी है वहां वहां से नास्तिक की चर्चा आती है। अब पर्याय के अंदर में अपनापन कर रखा तो पर्याय की नास्ति की बात, सिद्धपना प्रकट करना है तो ये भी पर्याय में अपनी अस्थि मान के रखी है, तो उसलिए वो चाहता है कि पर्याय के अंदर में संसार का अभाव हो और सिद्धपना प्रकट हो। लेकिन जो बना बनाया सिद्ध है उसको कौन सा सिद्धपना प्रकट करना है, जो बना बनाया भगवान है उसको कौन सा भगवान बनना है। यदि आप परिणाम के अंदर में कुछ करना चाहते हो तो ये वास्तविकतया कर्ता बुद्धि कहलाती है, इतना ही नहीं। और यदि आपकी दृष्टि बारंबार पर्याय के ऊपर जाती है कि पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पर्याय में तो मुनिपना और केवल ज्ञान हो, तो ये भी पर्याय दृष्टि कहलाती है। ये शुद्धात्मा को देखने का विधान नहीं है। जिनवाणी के अंदर में पर्याय की स्थिति का ज्ञान कराया है। कल पंडित जी सब ने कहा था ना कि वो चक्रवर्ती हो, चक्रवर्ती को कोई कर्जा होता है। अब परिणाम है वो तो एक समय की चक्रवर्ती है, उसको कोई कर्जा है, उसको किसी से कुछ लेना है, वो किससे कुछ लेती है, किसको कुछ देती है, वो विधान ही नहीं है। वो एक समय की चक्रवर्ती है और भगवान आत्मा त्रिकाल चक्रवर्ती है। कुछ भी आने जाने की व्यवस्था ही नहीं है शुद्धात्मा में। इतना सा निर्णय, बस मैं ही एक वस्तु हूं। कहां पे? सारे जगत में, बस सारे जगत में, बस सारा जगत बस। अब बात मत करो सारे जगत की, बहुत हो गया, बस सारे जगत में बस मैं ही एक वस्तु हूं। इस बात पे जीव कभी नहीं आया। सारी बातें की दृष्टि का विषय ऐसा है, ऐसा करने से दृष्टि का विषय में आत्मा की अनुभूति होती है, अनुभूति के अंदर में द्रव्य पर्याय का भेद मिट जाता है, ऐसी चर्चाएं तो उसने अनंत की,
लेकिन उससे बात पार नहीं लगी क्योंकि वो चर्चा चर्चा ही रही, ऐसा मानना नहीं हुआ कि मैं एक वस्तु हूं, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है और श्रद्धा के अंदर विकल्प नहीं होता, श्रद्धा स्वयं निर्विकल्प होती, ज्ञान भी सविकल्प नहीं होता, ज्ञान भी निर्विकल्प होता है। अब ज्ञान ज्ञायक को भी जानता और ज्ञान ज्ञान को भी जानता, उस अपेक्षा से स्वविकल्प कहा जाता है। ज्ञान ज्ञान को भी जानता और ज्ञान दर्शन को भी जानता, उस अपेक्षा से ज्ञान को स्वविकल्प कहा जाता है, लेकिन उसका स्वरूप तो निर्विकल्प है। ज्ञान का ज्ञेय स्वयं होता, ज्ञान का कोई ज्ञेय नहीं होता। राग को ज्ञान का ज्ञेय समझाया गया जिनवाणी के अंदर में कि तू उसका कर्तापना छोड़ दे उस लिए, और वो बात कहने का अर्थ ये होता है कि ज्ञायक ज्ञेय बनना चाहिए, मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, इसका मतलब ये होता है कि परिणाम से उड़ जाओ और स्वभाव में बैठ जाओ। बात बहुत ही संक्षिप्त है, अब अंदर में आप चले जाओ तो विस्तार का कोई अंत नहीं है, अनंतता का कोई पार नहीं है, लेकिन अंदर में जाने के लिए बस एक बात पे आना है, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा मैं हूं, बस इससे आगे और कोई बात नहीं है, किससे आपको छूटना नहीं है, किसी को आपको ग्रहण नहीं करना है। मैं ज्ञायक हूं तो ग्रहण किसका करूं, मैं पर्याय में गया ही नहीं तो छोड़ू किसको। आश्रव और संवर की जो चर्चा है प्रभु, उसको उसमें रहने दो, अपने में मत देखो। जहां तक उसको अपने में देखते रहोगे, हमें तो रागी है ना, हमें तो संसारी है ना, तब तक भगवान आत्मा दूर रहेगा प्रभु। जो निश्चय से पुद्गल के परिणाम है, निश्चय से पुद्गल के परिणाम, क्यों उसको हटाने का समाप्त करने का प्रयत्न करते हो, तो उसमें तो पुद्गल की सत्ता को चैलेंज है, पुद्गल के अस्तित्व के सामने तुझे चैलेंज है, पड़कार है, ये नहीं हो सकता। आश्रव मेरे में होता ही नहीं, उसलिए आश्रव के प्रदेश को भिन्न कहा, आश्रव का क्षेत्र और अशुद्धात्मा का क्षेत्र भिन्न भिन्न है, और जहां आश्रव होता है जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में आश्रव का अभाव होकर संवर होता है, तो जो आश्रव का क्षेत्र वही संवर का क्षेत्र है, यदि आश्रव का क्षेत्र भिन्न है तो संवर का क्षेत्र भी मेरा क्षेत्र नहीं हो सकता। हम किसके पीछे पड़े, हम सोचे तो सही एक बार, हमारा त्रिकाल असंख्यात प्रदेश की आत्मा होता ही नहीं है, आत्मा एक प्रदेश ही होता है, अखंड एक अभेद। अब आकाश के क्षेत्र की अपेक्षा से उसको असंख्य प्रदेश ही कहा जाता है, लेकिन उस आकाश की अपेक्षा हमें नहीं है। किस क्षेत्र से हम आत्मा के क्षेत्र का माप निकालते हैं, समयसार कलश टीका के 252 नंबर के कलश के अंदर में स्वद्रव्य और परद्रव्य की परिभाषा की, निर्विकल्प मात्र वस्तु, निर्विकल्प मात्र वस्तु सो स्वद्रव्य, और निर्विकल्प मात्र वस्तु ऐसा विकल्प सो परद्रव्य। ये जड़ परद्रव्य तो है ही नहीं, प्रत्यक्ष परद्रव्य है, तू जिसको परद्रव्य कहता हो तो परद्रव्य है ही है, लेकिन परद्रव्य वास्तविकता कौन सा परद्रव्य है, निर्विकल्प मात्र वस्तु ऐसा विकल्प जो है वो परद्रव्य है। तो वस्तु निर्विकल्प मात्र है, तुझे कहां जाना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, किससे जुदा पड़ना है, अवस्तु से, जो वस्तु नहीं है उससे जुदा पड़ना है, कि जो वस्तु है वो मैं हूं ऐसा विश्वास करना है। देखिए, सारे जगत में बस मैं ही एक वस्तु हूं और कोई वस्तु है ही नहीं, माने एक तरफ गुरुदेव श्री कहते थे एक तरफ राम और एक तरफ गाम, अब जो गाम जो है वो तो वस्तु है ही नहीं, बस जो राम रह गया बस मैं हूं एक वस्तु। कभी अपने इस स्वभाव को एक बार उसकी अस्तित्व से तो देखे, उसके वैभव से देखे, वैभववान वस्तु है,
अनंत गुणात्मक एक वस्तु, बस वो मैं वस्तु हूं, इसके अलावा कोई वस्तु है ही नहीं। केवल ज्ञान कोई वस्तु ही नहीं है, सिद्ध दशा कोई वस्तु ही नहीं है। तू जिसके पीछे पड़ा है वो पर्याय की प्रीति है, पर्याय का ममत्व है। गुरुदेव श्री का 43वीं गाथा के अंदर में चला, निर्ममत्व, निर्द्वंद, निर्दंड, निशरीर, निराग, उन्हें मेरा अभेद किला ऐसा है कि मेरा दुर्ग किला ऐसा है कि उसमें पर्याय का प्रवेश नहीं है, ऐसी वस्तु मैं हूं। क्या महिमावंत पदार्थ है, उस पदार्थ को पदार्थ से नहीं देखा, उस वस्तु को वस्तु से नहीं देखा। मैं निराग हूं, निशरीर हूं, निर्द्वंद हूं, निर्दंड हूं। एक बार इस स्वभाव को स्वभाव से देखे तो सही प्रभु, क्या महिमावंत तत्व है। और जिसके अंदर मैं आपको कोई परिश्रम नहीं, कोई परिश्रम नहीं, मैं हूं, अब इसमें क्या परिश्रम हो सकता है। तूने मान रखा कि सम्यक दर्शन करने में अनंत पुरुषार्थ है, आज तक तूने सुधात्मा मैं हूं वैसा नहीं माना, उसलिए आचार्य भगवान को ऐसा कहना पड़ा कि उसमें अनंत पुरुषार्थ है, क्योंकि तू अनंत विपरीत चलता है। अनंत विपरीतता की अपेक्षा से अनंत पुरुषार्थ कहा गया। अब तू परमात्मा है और मैं परमात्मा हूं ऐसा मान ले तो उसमें अनंत सवड़ा पुरुषार्थ है। दिलीप भाई अपने को दिलीप भाई नहीं मानते थे, उल्टा पुरुषार्थ, और दिलीप भाई मान ले उस उल्टा पुरुषार्थ, उसमें प्रयत्न क्या हो सकता है। सिद्धांत को समझे अपने अपन सारी जो नास्ती, जिसकी अपने में जिसकी नास्ती है, उस नास्ती की चर्चा करते हैं। गुरुदेव श्री का एक पूरा जीवन का सिद्धांत था कि अनंत की नास्ती में एक की अस्थि नहीं समाती। अनंत की आप नास्ती की चर्चा करो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उसमें एक अस्थि, एक की अस्थि नहीं समाती। लेकिन एक की अस्थि में अनंत की नास्ती समाती है। मैं ही एक वस्तु हूं तो उसके अंदर में और कोई वस्तु नहीं है, वो बात उसके अंदर में समा गई है। कभी अपने ने इस स्वभाव से स्वभाव को देखा ही नहीं। और देखिए इसके अंदर में कोई जोर नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, फिर भी अनंत पुरुषार्थ है, क्योंकि ऐसा मानता नहीं हो। बात मानने की है और कुछ करने की नहीं है। करना तो उनका स्वभाव ही नहीं है, अपरिणामी अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा, तो उसमें करने की तो व्यवस्था ही नहीं है। परिणाम के अंदर में क्या है इसकी चर्चा ही नहीं है। जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता नामनी कोई वस्तु ही नहीं है, ये सारा का सारा दृष्टि का दोष है। दृष्टि यदि इस पर आवे कि मैं ही एक वस्तु हूं तो बस वही जैन शासन की अनुभूति है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन नहीं बसता, सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन का विषय सुधात्मा है, मैं हूं, तो हो गया सम्यक दर्शन। इसके अंदर में कठिनता वाली कोई बात ही नहीं है। तू वस्तु को वस्तु से नहीं देखता तो कठिन लगता है। अब जहां अपना अस्तित्व नहीं वहां पे अपना अस्तित्व मान के रखा है, और वहां से फिर जहां त्रिकाल अस्तित्व वहां आने का कोशिश करता है। अब जो त्रिकाली तत्व है वो परिणाम में आया ही नहीं तो फिर वापस जाए तो कैसे जाए। जो कभी अपने घर से बाहर निकला ही नहीं और फिर घर में जावे तो कैसे जावे। तूने मान रखा है कि बस यह मैं हूं, ये मान्यता छोड़ने का उपाय क्या है कि जो तू है उसमें मैं पना कर ले, उसका श्रद्धान कर ले, उसका विश्वास कर ले। ये बात कहते हैं सारे जगत में बस एक बात इतनी जबरदस्त, एक वाक्य इतना जबरदस्त है
मैं ही एक वस्तु हूं और कोई वस्तु है ही नहीं, है ही नहीं, है नहीं नहीं, है ही नहीं। कभी अपने इस स्वभाव को स्वभाव से देखे तो सही कि क्या महिमावंत वस्तु है। सुगनी जी जैसे धर्मात्मा ये बात बतलाते हैं कि सारे जगत में बस मैं ही एक वस्तु, इस वस्तु को वस्तु से तूने नहीं देखा प्रभु, पर्याय में देखने का कोई विधान नहीं है, पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखा नहीं जाता। अरे दूसरी कोई वस्तु है या नहीं है ऐसा विकल्प भी क्यों, क्यों ऐसा विकल्प है नहीं है उसे हमें क्या लेना देना, क्या प्रयोजन उससे, उसका विकल्प क्यों करे, तो बोझा है। मैं परमात्मा हूं ऐसा विकल्प भी जिसको बोझा लगता हो वो तो दूसरे का विकल्प क्यों करे। निष्प्रह रहता है जगत से, विश्व से। और जो वस्तु जो है वो स्वभाव से परिपूर्ण है, जो स्वभाव से परिपूर्ण है उसको परिपूर्ण होना नहीं है। जो परिपूर्ण है तो आपको इतना मानना है कि मैं परिपूर्ण हूं, इसका नाम मोक्ष मार्ग है, इसका नाम मोक्ष है। बात सिर्फ समझने की, आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया कि सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझे ते थाय। श्रीमद जी एम कहते कि जे समझे ते सिद्ध थाय, तो समझना है, करना कुछ नहीं है। जे स्वरूप समझ्या विना पामियो दुख अनंत, स्वरूप समझ्या विना, वो स्वरूप में कुछ हुआ थोड़ी ना, आपने नहीं समझा तो उससे स्वरूप को कुछ हुआ नहीं है। अनंत काल निगोद में भी परम पारिणामिक भाव तो परिपूर्ण ही रहा, कुछ कमा नहीं उसके अंदर में, और मोक्ष के अंदर में उसमें कुछ बढ़ने वाला नहीं है। घट बढ़ से रहित, निगोद मोक्ष की अपेक्षा से रहित, जो स्वभाव से परिपूर्ण है, स्वभाव से संपूर्ण है, उसे क्या चाहिए। और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसको आप क्या दे दोगे। श्रीमद जी कहते हैं भगवान की स्तुति में, हे भगवान आखू विश्व तने नमे छे, अने हूं एक तरी समूह नथी जोतो तो खोटू नहीं लगाड़ता। पूरा विश्व भगवान की भक्ति करने के पीछे, पूजा करने के पीछे, भगवान का गुणगान गाने के पीछे, पूरा जगत भगवान के सामने सर झुकाता है। और श्रीमद जी कहते हैं कि यदि मैं तेरी ओर नहीं देखता हूं, मैं अपनी ओर देखता हूं और तेरी ओर नहीं देखता हूं, तो तू भूल मत समझना। कारण के तने कई फरक नहीं पड़वानो, पण मने फरक पड़ी जैसे, तारी सामू जोईस तो राग नो जन्म थासे। देखिए स्वभाव की महिमा ही इतनी है, गरिमा ही इतनी है कि जहां अपने को स्वभाव से देखा तो परिपूर्ण वस्तु, जो परिपूर्ण वस्तु हूं ऐसा माना। तो गुजराती में तो ऐसा कहते परिपूर्ण वस्तु छे, मैंने आप मानो या ना मानो वस्तु परिपूर्ण है। अब फिर क्या परिपूर्ण है तो भी आपको क्या करना, तो कि मैं परिपूर्ण हूं, परिपूर्ण छू, ऐसा परिपूर्ण छू एवं मानो तो संसार छू थी जैसे, मैंने संसार का अभाव हो जाएगा, करना नहीं है कुछ, जैसा हूं ऐसा मान लो तो बस संसार समाप्त। सिर्फ जैसी वस्तु है वैसा मानने से संसार समाप्त हो जाता है, करना कुछ नहीं है। लेकिन इस बात को उसको विश्वास, ये इतना सहज हो ही नहीं सकता ऐसा उसे महसूस होता है। अब जगत के अनंत पदार्थ के प्रति उसको कोई प्रश्न नहीं उठता, कोई प्रश्न नहीं उठता, प्रश्न उठता सिर्फ अपने आत्मा के बारे में। अभी आग उष्ण क्यों, ये प्रश्न उठता उसको, बर्फ शीतल क्यों प्रश्न उठता कभी,
सोना पीला क्यों? और आत्मा में राग हो तो बराबर है, उस राग का भी अपने को अभाव कर। क्यों स्वभाव से विपरीत व्यवस्था उसमें कैसे हो सकती है? तू स्वभाव को स्वभाव से नहीं देखता, स्वभाव को संयोग से देखता। तुझे आदत पड़ी है कि घी की तपेली, पानी का ग्लास, दूध का ग्लास। अब दूध का ग्लास विश्व में कहां होता है? अब इस ग्लास के संयोग में दूध को देखकर दूध का ग्लास कहा गया तो तुझे ग्लास को ही दूध का मान लिया। आत्मा में ज्ञान के अलावा क्या हो सकता है? और उस ज्ञान में आत्मा न हो कैसे बन सकता है? क्योंकि आत्मा उस ज्ञान शरीर से बना हुआ है। जड़ शरीर की बात तो बहुत दूर, कर्म के शरीर की बात तो बहुत दूर, राग की बात भी बहुत दूर। वास्तविकता तो यह है कि एक समय की पर्याय भी उससे बहुत दूर है। जिनका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब कुछ भिन्न ही भिन्न है, निराला ही निराला है, तो उसके अंदर में अपनापन करके द्रव्य में अहम करने का प्रयत्न करता है तो द्रव्य क्यों जवाब दे? वो द्रव्य दर्शन देता हुआ बैठा है, तू दर्शन लेता नहीं है। वो छिपा नहीं है अनंत काल में द्रव्य, तेरे अनंत प्रयत्न के बावजूद भी द्रव्य एकदम दर्शन देता हुआ बैठा है। तू खाली मैं परमात्मा हूं, बस मैं ही एक वस्तु हूं इतना विश्वास कर तो अनुभव में आता हुआ ज्ञान, अनुभव में आता हुआ आत्मा स्वसंवेदन में आ जाएगा। स्वसंवेदन परिश्रम वाली बात ही नहीं है। अब किस अपेक्षा से अनंत पुरुषार्थ ऐसा कहा गया? क्योंकि तू आज तक अनंत उल्टा चला, अब अनंत उल्टा चला उसलिए अनंत पुरुषार्थ की बात कही गई। लेकिन अब मुनिराज को पूछो कि साहब उसमें क्या पुरुषार्थ है? मैं आत्मा हूं ऐसा विकल्प करते हुए अनुभव करते हैं न? ऐसे ही डूब जाते स्वभाव के अंदर, सोसरवट चले जाते अंदर में, कैसे जाते हैं? सिर्फ अभिप्राय की कमाल है जैन दर्शन के अंदर में। अभिप्राय से संसार, अभिप्राय से मोक्ष। मोक्ष जाना है तो अभिप्राय से संसार, और मोक्ष स्वरूप हूं तो अभिप्राय से मोक्ष। अब कहां से चले हो उसका मतलब है। मोक्ष जाना है तो उसका मतलब आप अभिप्राय में, आप संसार में हो, संसारी हो, तो अभिप्राय में संसार होने से आप संसारी ही रहोगे। और मैं मोक्ष स्वरूप हूं तो अभिप्राय के अंदर में मोक्ष स्वरूप आया तो मोक्ष हो गया, होना नहीं है कुछ भी। उसलिए कहते दूसरी कोई वस्तु है या नहीं है, ऐसा विकल्प भी क्यों? जगत के अंदर में दूसरे का विकल्प नहीं आता, लेकिन अनुभूति के अंदर में उसको आश्रव का अभाव करने का, संवर को प्रकट करने का, मोक्ष मार्ग पे चलने का, मोक्ष दशा प्रकट करने का विकल्प मुमुक्षुओं को बना रहता है। ये आत्मा में जाने का कोई विधान नहीं है, एक चाह है, और जो भी चाह है वो इच्छा है, जो भी इच्छा है वो परिग्रह है, और जो परिग्रह है वो मिथ्यात्व है। क्यों दूर रहा आत्मा उनसे? दूर क्यों रहा सुधात्मा उससे? दूर क्यों रहा? क्यों बस मैं ही एक वस्तु हूं, वहां से अपने आप को देखता ही नहीं? कुछ करने के लिए, कुछ प्रकट करने के लिए, कुछ अभाव करने के लिए वो लगा पड़ा है। अब जो तेरी वस्तु नहीं उसको तो अभाव करे तो कैसे करे? पर्याय को तू पर्याय का सतरूप न जाने, सतरूप न माने, और उसके अंदर में कुछ प्रकट करने का प्रयत्न करे
तो उसके क्रमबद्ध को चैलेंज है, उसके क्रमबद्ध को चैलेंज नहीं है, केवल ज्ञानियों को चैलेंज है। केवल ज्ञानी तीन काल तीन लोक को जानते हैं, ये बात तूने नहीं माना। तीन काल को जाना तो भविष्य काल आया कि नहीं आया, और भविष्य काल में जो होना है वो उनके ज्ञान में आया कि नहीं आया, तो उसको आगे पीछे कौन कर सकता है। तो यदि तो पंच परमेष्टि कोई नहीं मानता, यदि पर्याय में कुछ करने का अभिप्राय है तो पंच परमेष्टि की तू विराधना कर रहा प्रतिपल। और उनके ज्ञान की विराधना में अपने ज्ञान की आराधना कैसे हो सकती है। तू समझता है कि मैं ज्ञान की आराधना करता हूं, लेकिन भाई पल प्रतिपल जहां कर्ता बुद्धि है, सम्यक दर्शन करना है ऐसा अभिप्राय भी जहां है, वहां पे भी तू ज्ञानियों की विराधना करते चला जा रहा है। विराधना मैंने उसका तू बहिष्कार नहीं करता, उसके पास जाता लेकिन उसकी नहीं सुनता। तो जब उसकी नहीं सुना तो उसका मतलब क्या? और जो बात सुनकर अपना ही न जाए उसको सुनी नहीं कहा जाता है। सुनी तो उसे कहा जाता है कि सुनकर समझकर अपना ले। अब अपन सुनते तो है सब कुछ, लेकिन बस मैं ही एक वस्तु हूं इस बात को नहीं अपनाते, तो वस्तु वस्तु से वो दूर रहता है। आगे कहते हैं 579 नंबर के बोल के अंदर में, राग को ज्ञान का गेय कहते हैं, और लक्ष्य राग की ओर है तो वह सच्चा ज्ञान का गेय है ही नहीं। राग को ज्ञान का गेय कहते हैं, अब ज्ञान का गेय माने क्या? कि तू राग का कर्ता नहीं है, और ज्ञेय मन वो ज्ञान में जानने में आता है, तो तुझे जानना भी नहीं है। और वास्तविकतया ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है, राग का ज्ञान नहीं होता, तो राग को भी तू जानता नहीं है। और ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है, उस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक जानने में आता है, तो ज्ञायक ज्ञान का ज्ञेय बने तो तूने राग को ज्ञेय माना कहलाता है। यदि ज्ञायक ज्ञान का ज्ञेय न बने तो तूने राग को ज्ञेय माना ही नहीं है। पर्याय को क्रमबद्ध कहे और त्रिकाली ध्रुव परमात्मा पे ना आवे तो पर्याय ने क्रमबद्ध माना ही नहीं है। क्रमबद्ध मानने की बात तो यह होती है कि तू त्रिकाली ध्रुव स्वभाव पर आ जा। ज्ञान के अंदर में राग उनका ज्ञेय कहने का मतलब यह है कि राग का तू करता नहीं है, राग तेरे में होता नहीं है, तेरे में तो ज्ञान होता है। कहा था ना कि जीव की है टेव पड़ी हुई है कि लेकिन राग तो अनादि से हो रहा है ना, राग तो अनादि से हो रहा ना। अरे भैया ज्ञान अनादि से हो रहा है, राग नहीं हो रहा। जो तेरा स्वभाव है अनादि से ज्ञान हो रहा तेरे में, और उस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक जानने में आता है, जानने माने अनुभव में आता है, माने उस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक की मौजूदगी है। ऐसा ज्ञायक को ज्ञेय बनावे तब और उसने राग को ज्ञेय माना कहलाता है। अब राग को ज्ञेय कहे और राग में ही पड़ा पाथरा रहे, सोया रहे राग के अंदर में, तो उसने राग को ज्ञेय माना नहीं, हो तो राग का कर्ता बन के बैठा। देखिए कहना एक बात है और मानना मार्ग है। आप क्या मानते हो वो आप किस मार्ग पे चलते हो उसके ऊपर में पता चल जाता है कि आपके अंतरंग में क्या है। बात आपने कितनी सूक्ष्म की उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन आपका अभिप्राय क्या कहता है,
अभिप्राय यदि कहता है कि मैं ही एक वस्तु हूं, तो सम्यक दर्शन हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका निर्णय सच हुआ तो पर्याय की व्यवस्था यह है कि वो द्रव्य से बंधी हुई है, उस पर्याय में द्रव्य के अलावा कुछ बसता ही नहीं है। जिस समय अपने आप को राग का कर्ता मानता है उस समय भी पर्याय में तो ज्ञान के अलावा कुछ होता ही नहीं, वो मानता झूठ है, उसके लिए उसको संसार कहता है। लेकिन जिस समय उसने माना मैं शरीर, तो ज्ञान में शरीर आया, मैं कर्मों से सुखी दुखी हूं, कर्मों से सुखी दुखी होता है जीव। राग में ज्ञान में आता है, राग का जो ज्ञान होता है वो राग के कारण होता है। ज्ञान का क्या होगा फिर, ज्ञान की स्वच्छता का क्या होगा? राग के कारण यदि ज्ञान होता हो तो हो दीवाल के अंदर में ज्ञान। महिमा ज्ञान की है, महिमा ज्ञान की स्वच्छता की है, महिमा ज्ञान के स्वभाव की है। और उस ज्ञान के अंदर में जिस समय में रागी बोलता है, रागी मानता है, उस समय भी उसमें ज्ञान ही होता है। लेकिन वो सही नहीं जानता, उसका नाम अज्ञान है। वो जानता मैं रागी, अब है तो वो ज्ञायक, लेकिन मानता है रागी, तो उसका नाम संसार है, उसका नाम भ्रांति। संसार माने क्या? भ्रांति, भ्रांति और भ्रांति, और किसी का नाम संसार है ही नहीं। और सम्यक दर्शन माने क्या? निभ्रांत, 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 मैं ही एक वस्तु हूं, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये जैन शासन की है अद्भुत कला, एक बार अपना के देख लो भैया जीवन में। मार के ऊपर तो वो मैंने ऐसा बहेगा, वो कहते हैं ना कि जहां सच्ची समझ हो वहां नौका भी धरती पे चलती है, पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इतना पवित्र मार्ग है कि जहां स्वभाव का स्वीकार किया तो अनुभूति तो यह बहने लगती है, बहती है अनुभूति। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आज तक किसी ने प्रयत्न किया हो अनुभूति के लिए और अनुभूति हुई हो, ऐसा अनादिकाल से आज तक एक भी उदाहरण बना नहीं, और आज से अनंत काल में ऐसा उदाहरण बनेगा नहीं। लेकिन मैं ही एक वस्तु हूं ऐसा विश्वास किया और उस जन को अनुभव नहीं हुआ, ऐसा भी एक उदाहरण बना नहीं, न ऐसा अनंत काल में बनेगा। स्वभाव माने क्या? परमात्मा माने क्या? परिपूर्ण शुद्ध तत्व माने क्या? वो मैं हूं और उसकी महिमा आवे और वो कोरा रह जाए, न भूतो न भविष्यति। देखिए ज्ञान का ये, ज्ञान का ये कहते हैं और लक्ष्य राग की ओर है तो वह सच्चा ज्ञान का ये है ही नहीं। यथार्थता में तो ज्ञान का ज्ञेय तो अंदर में सहज रूप हो जाता है। आपने राग को ज्ञान का ज्ञेय माना तो क्या होता है? ज्ञान का ज्ञेय तो अंदर में सहज रूप हो जाता है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता उसके लिए। जहां राग को ज्ञेय माना तो दृष्टि हट गई वहां से। ज्ञेय किसको कहते हैं? जो ज्ञान में जल के ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, जनाने योग्य जिसके अंदर में शक्ति हो, तो प्रमेयत्व गुण है राग के अंदर में, उसके वजह से वो ज्ञान में झलकता है, ज्ञान में जानने में आता है। ज्ञायक के अंदर में प्रमेयत्व शक्ति है तो ज्ञायक भी ज्ञान के अंदर में झलकता है। अब झलकना दो का, दृष्टि एक के ऊपर। यदि आपने राग को ज्ञेय माना और दृष्टि आपकी ज्ञायक के ऊपर गई तो उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और राग को ज्ञेय कहा लेकिन दृष्टि राग के ऊपर में, तो उसका नाम मिथ्या ज्ञान। अब उस वक्त ज्ञायक कहीं चला नहीं गया और राग ज्ञान में आ नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ भ्रांति से वो दुखी रहा।
उसका दुख का कारण भ्रांति है, राग ज्ञान में नहीं आया, ज्ञायक ज्ञान से कहीं नहीं गया, तो हुआ क्या? ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा रहा। अब उसकी मान्यता गलत हुई तो उस मान्यता का नाम संसार है, उस भ्रांति का नाम संसार है। अब सम्यक ज्ञान करने के लिए क्या करें? तो कि राग ज्ञान में आ गया था उसको बाहर निकाले, ज्ञायक ज्ञान से बाहर चला गया था तो उसको अंदर लेके आवे। कुछ घटा ही नहीं, कुछ नहीं घटा। ज्ञान में ज्ञायक की मौजूदगी है, ज्ञान में ज्ञायक की उपस्थिति है, ज्ञान में ज्ञायक की विद्यमानता है, ज्ञान में ज्ञायक की हाजरा हजूरता है, और राग उसमें प्रवेश ही नहीं पाया। तो भी आपको क्या करना है? ज्ञायक के ऊपर दृष्टि, मैं परमात्मा हूं, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, उसका नाम निर्विकल्पता है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। अब ये कठिन हो तो कैसे? उसलिए ज्ञानी धर्मात्माओं कहते हैं कि मार्ग सरल छे, मार्ग सहज छे, मार्ग सुगम छे। सरल है, तू वस्तु को वस्तु से नहीं देखता, उसलिए कठिन लगता है। वस्तु को वस्तु से देख ले तो वही अनुभूति है जैन शासन की, वही मोक्ष मार्ग है। अपना स्वभाव सरल है, स्वभाव सहज है, स्वभाव सुगम है, ज्ञायक परमात्मा को ज्ञायक परमात्मा से देखे तो कुछ करना नहीं है। अकर्ता स्वभाव, अभोक्ता स्वभाव, अवैधक स्वभाव, अकारण परमात्मा किसी का कारण नहीं बनता। मैं अकारण परमात्मा हूं ऐसा विश्वास हुआ तो पर्याय के अंदर में कार्य शुद्ध हुआ तो द्रव्य को कारण शुद्ध कहा जाता है। ऐसा अद्भुत संधि वस्तु व्यवस्था की है, उस वस्तु को सब कोई वस्तु स्वभाव से समझे, इसी मंगल भावना के साथ। शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदे, 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 शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप